जैसा कि आप सारे छात्र देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2020 का जो 50 नंबर का इंग्लिश होता है उसका पेपर है, जो कि आज परीक्षा हो चुकी है। मैं उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फुल एनालिटिक सॉल्यूशन करने वाला हूँ, तो आप सभी छात्र इसको देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियोज के लिए, और 100 मार्क्स के इंग्लिश के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों का शेयर नहीं किया है, तो कर दें और कमेंट करते जाएं कि आपका कितना आ रहा है ऑब्जेक्टिव पोर्शन में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इसमें से 30 ऑब्जेक्टिव था जिसमें आपको 25 के आंसर्स करने हैं। तो फर्स्ट है आई खाली स्थान लिविंग हेयर सिंस 2010। सबसे पहले आई के साथ हैव लगता है, ठीक है, तो और यहाँ पे लिविंग फिर टाइम भी दिया हुआ है, तो कन्फर्म है कि ये हैव बिन लेगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे हैव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हैव है तो यहाँ पे भीतरी होना चाहिए, और एम इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि बगल में टाइम दिया हुआ, बाकी हैज बिन लगने का कोई चांस नहीं है। तो पहला का ऑप्शन नंबर सी। अगर आपका कोई दूसरा सेट है तो क्वेश्चंस आपके आगे पीछे हो सकते हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप इसको देख लें वीडियो को अंत तक और मिला लें कि आपका कितना है। इफ़ आई लिसन द ऑफिशियल द इफ आई लिसन टू क्लासिकल म्यूजिक आई कैन राइट गुड पोएम्स। तो यहाँ पे लिसन होगा, बोलिए कि सर विल लिसन क्यों नहीं होगा। इफ आई विल लिसेंड, विल के साथ लिसेंड हो नहीं सकता है, और आई के जस्ट बाद लिसनिंग बिना किसी हेल्पिंग वर्ब का आएगा नहीं, और लिसेंड इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर लिसेंड होता तो यहाँ पे कुड आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुड नहीं आया, यहाँ पे कैन आया है, जो तो प्रेजेंट यहाँ पे आएगा लिसन, दूसरा का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी खाली स्थान वॉचिंग टीवी इन रूम, ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट को बता रहा है, तो वी आर वॉचिंग टीवी इन आवर रूम, तो थर्ड का ऑप्शन नंबर ए, बाकी वाज नहीं होगा सिंगुलर है, इज नहीं होगा सिंगुलर है, और हैव आता तो यहां पे वॉच्ड होता, तो तीसरा का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कौन सा सही है, तो प्रिंसिपल बहुत ही इजी था, चौथा का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, टेक केयर ऑफ, फाइव का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको आप कंबाइन कीजिए, तो द एग्रीमेंट वॉज साइंड ऑल वेयर सेटिस्फाइड, यानी कि जब एग्रीमेंट साइन हुआ तो सभी लोग सेटिस्फाइड थे, ऑल वेयर सेटिस्फाइड व्हेन द एग्रीमेंट वॉज साइंड, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है आंसर है राइट। इट इज रेनिंग हैविली, हैविली लगेगा लास्ट में, यहाँ पे इस वर्सन का इस्तेमाल होगा, हैवी नहीं, हैवी के बाद एक नाउन चाहिए है, तो इट इज रनिंग हैविली, सेवन का ऑप्शन नंबर ए। उसी तरह से यहाँ पे देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे है राधे लिसेंस टू हर मदर केयरफुल्ली, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है एड्रेस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, गो अगेंस्ट का मतलब होता है विरोध करना, अपोज, टेन का ए। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब इन द ईयर 2001। तो जब भी हम किसी साल का जिक्र करते हैं तो वहां पे इनका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी लेफ्ट लंदन ऑन द 4th of March। सबसे पहले कि जब किसी दिन की बात करते हैं या किसी पर्व की बात करते हैं या किसी डेट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं, और अगर खास समय की बात करते हैं 8 बजे 9 बजे तो वहाँ पे एट का इस्तेमाल करते हैं, तो एट और इन कुछ भी नहीं होगा, ऑन होगा, 12 का सी, एकदम 100% कन्फर्म हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 13, उसमें इसका बोल रहा है पैसिव करने, तो बनानास आर बीइंग ईटन बाय चाइल्ड, 13 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दीज लेटर्स वेयर रिटन बाय ए फेमस आउथर, तो ए फेमस आउथर रोट दीज लेटर्स, इसका एक्टिव पूछ रहा था, तो 14 का एक्टिव होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सुधीर इज क्राइंग नाउ, तो सुधीर इज के बाद क्राई तो होगा नहीं, विल क्राई भी नहीं होगा, इज भी, विल भी ऐसा नहीं होता, इज के बाद फिर हेड भी नहीं आएगा, और इज के बाद सीधे क्राई नहीं आएगा, तो सुधीर इज क्राइंग नाउ, सुधीर अभी चिल्ला रहा है, ठीक है, हाँ, तो 15 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हेस्ट, हेस्ट का मतलब होता है जल्दी, तो इसका अपोजिट पूछ रहा है, अगर साइनोनिज्म पूछता तो हरी होता, लेकिन अपोजिट पूछ रहा है, तो हेस्ट का मतलब जल्दी, लेट का मतलब देर। द बुक इज ऑन द टेबल, बताइए कितना इजी क्वेश्चन है, द बुक इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सी इज एन इनोसेंट गर्ल, तो यहाँ पे मैंने ग्रामर पोर्शन का सॉल्यूशन कर दिया है, बुक पोर्शन का आप बुक से भी मिला सकते हैं, ऐसे इवनिंग में मैं इसका वीडियो अपलोड करूंगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, और 18 में आपका कितना सही गया, या फिर अगर आपको एक आध क्वेश्चन का कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।